एवरीवन, आज हम ईवीएस की वर्कशीट करेंगे, क्लास फोर्थ वर्कशीट 92B। ये 18 अक्टूबर क्लास फोर्थ की है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपने भूकंप शब्द सुना? भूकंप माने अर्थक्वेक। ये धरती के अंदर से हलचल करता है। ये एक प्राकृतिक आपदा होती है, यानी नेचुरल डिजास्टर। ये बहुत ही तबाही कर सकता है। इसको टाला तो नहीं जा सकता, पर कुछ सावधानी बरतकर रोका जरूर जा सकता है, जिसे आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट की सुरक्षाएं कहते हैं। आज हम भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानेंगे। तो भूकंप आने पर हमें कुछ जरूरी बातें देखनी चाहिए, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। यदि आप इमारत बिल्डिंग में हो तो क्या करें? लकड़ी के मजबूत फर्नीचर के नीचे रहें। यह आपकी गिरती हुई वस्तुओं में रक्षा करेगा। मजबूत वस्तु अथवा दीवार को पकड़े, जिससे आप गिरेंगे नहीं। लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अब यदि आप बाहर हैं, इमारतों से दूर रहें और खुले मैदान में जाए, क्षतिग्रस्त क्षेत्र से दूर रहे। यदि संभव हो तो रेडियो ऑन रखें। अपनी और दूसरों की आशय की जांच करें। अब आगे, भूकंप से बचने का पहला नियम नीचे चित्र में दर्शाया गया। इस नियम में हमें सबसे पहले अपने सिर को बचाना है, तो नियमों के निर्देश पालन करें। सबसे पहले आपको पिक्चर ए, बी और सी दे रखी है और संकेत बिंदु। होल्ड द फर्नीचर, फर्नीचर को कसकर पकड़े। ड्रॉप नीचे झुके या फिर हाइड योर सेल्फ अंडर द फर्नीचर। तो सबसे पहला नियम है कि नीचे झुके, उसके बाद हाइड योर सेल्फ अंडर द फर्नीचर, अपने आप को फर्नीचर के नीचे छुपाए। और तीसरा, होल्ड द फर्नीचर, फर्नीचर को कसकर पकड़े, जिससे आप बचेंगे। अब नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़े और फिर दो सावधानी लिखें। जब भी भूकंप आए, खुद के होश न गवाएं। घरों से निकलकर किसी भी खुला जगह पर जाएं। यदि घर से निकलना संभव ना हो तो टेबल या कुर्सी के नीचे छिप जाएं। टेबल को कसकर पकड़े, बिल्कुल भी ना घबराएं। पहले खुद संभले, फिर दूसरों की जान बचाएं। तो दो सावधानियां। अगर आप लोग किसी खुली जगह पर है तो क्या करें? घरों से निकलकर किसी खुली जगह पर चले जाएं। और अगर आपके आसपास कोई खुली जगह नहीं है और संभव ना हो तो मजबूत टेबल या कुर्सी के नीचे छिप जाएं। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय।